गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर इज मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट द मटेरियल, या फिर मैटर क्या होता है। मैटर क्या होता है कि अपने सराउंडिंग जो भी चीजें हैं वो मैटर, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनी हुई होती है, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, मैटर या फिर मटेरियल बोलते हैं। तो उनमें से कुछ मटेरियल मेटल टाइप मेटल की क्वालिटी होती है और कुछ में नॉन मेटल की होती है। दोनों की प्रॉपर्टीज क्या है, अपोजिट है एक दूसरे के, मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, फिर क्या है अपना, जैसे देखिएगा, एन एलिमेंट इज बिल्डिंग ब्लॉक फॉर ऑल मेटल्स। अब ये बोल रहा है कि जो एलिमेंट है वो बनाता है किसको, मैटर को। एलिमेंट मिलके मैटर बनता है, कोई भी चीज बनती है मटेरियल बनता है। सो एलिमेंट क्या है, एलिमेंट क्या है, सेम टाइप ऑफ एटम्स टू जॉइन टुगेदर एंड टू फॉर्म एन एलिमेंट। ओके, सो एलिमेंट क्या है कि सेम टाइप के जो एटम्स हैं वो मिलके क्या बनाएंगे, एलिमेंट बनाएंगे। ओके, सो सेम टाइप के, अगर मैं यहाँ ऐसे बोलूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम टू जॉइन टुगेदर एंड टू फॉर्म ए, तो वो एलिमेंट, तो आप इसे एलिमेंट थोड़े कहेंगे, वो क्या हो गया आपका, मिक्स हो गया ना वो, तो बहुत सारी मेटल, जैसे ब्रास है, ठीक है, स्टेनलेस स्टील, ये सब क्या है, ये मिक्सअप ऑफ मेटल्स है, मिक्सर है ये मेटल्स का। तो उसे आप ये नहीं बोल सकते कि एलिमेंट का बना हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे गोल्ड का दिया है, तो गोल्ड क्या एलिमेंट, एलिमेंट क्यों कह रहे हो, क्योंकि ये सिर्फ किससे बना हुआ है, मेड अप ऑफ गोल्ड एटम्स। ओके, सो गोल्ड इज एन एलिमेंट मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ गोल्ड ओनली। ठीक है, ओनली गोल्ड का बना है, इसलिए आप इसे क्या कह रहे हैं, एलिमेंट कह रहे हैं। समझ गए होंगे आप कि एलिमेंट अपन किसको कह रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा आप, टिल नाउ देर आर 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। अभी तक 118 एलिमेंट डिस्कवर किए गए हैं। सो एलिमेंट को क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, किसके बेस पे, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे। फिजिकल कौन सी होती है, जो आपको डायरेक्टली नजर आ जाती है। ठीक है, ये हार्ड है, सॉफ्ट है, या इसका कलर कैसा है, इसका टेक्सचर कैसा है, इसका टेस्ट कैसा है, ये सारी चीजें आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाएंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज में वो आएगा जो आप इन द लेबोरेटरी, ठीक है, ऑब्जर्व करेंगे। जैसे ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाए तो आपको क्या मिला, रिएक्शन बेस पे हो जाएगा केमिकल। ओके, सो एलिमेंट्स आर टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इज मेटल, सेकेंड इज नॉन मेटल। ओके, सो फर्स्ट पे अपन, फिर एक टर्म और आता है मेटलोइड्स। ओके, मेटलोइड्स देखिएगा क्या होता है, विच एलिमेंट्स शो प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। अब ये बोलना कुछ ऐसे भी एक्सेप्शंस आर देयर ओके इन द यूनिवर्स। आपको अच्छे से पता है कि एक्सेप्शन हर जगह है, तो वैसे ही कुछ ऐसे मेटल या मटेरियल भी है जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज शो करता है। उसे आप क्या करें, ऐसी जो क्वालिटी है, जो प्रॉपर्टीज है, उसको आप क्या करें, मेटलोइड्स कह रहे हैं। ओके गाइस, सो अपन स्टार्ट करते हैं, ये अपना बेसिक था। अब अपन इसमें चैप्टर में पढ़ने वाले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ओके, देन आफ्टर वी विल गो फॉर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। ओके, सो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मेटल की अपन सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे कौन कौन सी हैं और उसमें एक्सेप्शन क्या है। क्यों, क्योंकि ऑल मेटल्स शो सिमिलर प्रॉपर्टीज बट ए फ्यू एक्सेप्शंस आर देयर। ओके, सो जो भी मेटल है उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती है, लेकिन कुछ क्या है एक्सेप्शन है, जिनको अपन, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है और उसमें एक्सेप्शन कौन सी मेटल का है वो अपन डिफाइन करेंगे।
सो फर्स्ट है फिजिकल स्टेट पे आ जाइए आप। स्टेट आपको पता है कितनी होती है, मेनली थ्री टाइप्स होती हैं क्या, सॉलिड लिक्विड गैस एंड फोर्थ कौन सी होती है, प्लाज्मा जेली टाइप। ओके सो ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बट एच जी मीन्स मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अब ये क्या बोल रहे हैं अभी कि सारी मेटल सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर पे, बट जो मरकरी होती है वो कैसा है, वो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। आपने किसमें देखा होगा भी मरकरी कहाँ प्रेजेंट होता है, थर्मामीटर में रहता है, जो लिक्विड टाइप का रहता है ग्लास ट्यूब में वो क्या होता है, मरकरी होता है। ठीक है नेक्स्ट है कलर, कलर भी आ जाइए। ऑल मेटल्स आर सिल्वरी ग्रे कलर। ठीक है सारी मेटल्स कैसे कलर में होती हैं, सिल्वरी ग्रे कलर में होती हैं, बट सी यू मीन्स कॉपर। ठीक है ये कॉपर का सिंबल है, सो कॉपर रेडिश ब्राउन होता है, और ए यू गोल्ड, गोल्ड कैसा है, गोल्डन येलो कलर में होता है। ओके सो फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वालिटीज क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है अपीयरेंस। अपीयरेंस मीन्स आपको कैसे दिखाई देते हो। ठीक है सो ऑल मेटल्स आर शाइनी। आप क्या देखेंगे कि जो भी कोई भी मेटल है वो कैसी दिखेगी आपको, चमकीली दिखेगी। शाइनी मेटल्स इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। तो जो मेटल है आपके पास कोई भी, मतलब आपने क्या लिया, कोई बाउल लिया, तो उसको भी अगर आप धूप में रखेंगे तो उसमें आपको चमक नजर आएगी। सो उस जो प्रॉपर्टीज है चमकने वाली उसको आप क्या कह रहे हैं, मेटेलिक लस्टर कह रहे हैं। ठीक है और वो ऐसी कोई भी मटेरियल जिसमें मेटेलिक लस्टर हो वो क्या हो जाते हैं, इजिली पॉलिश हो जाते हैं। ठीक है नेक्स्ट है हार्डनेस। सो ऑल मेटल्स हैव हाई टेंसिल स्ट्रेंथ एंड वेरी हार्ड। सो कोई भी मेटल वो कैसे हैं, बहुत ज्यादा क्या है, स्ट्रेंथ है उनमें, हार्ड है वो बहुत ज्यादा, एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड है। सो बट सोडियम एंड पोटेशियम, पहले भी मैंने बताया था, एक्सेप्शंस आर प्रेजेंट इन एवरीवेयर। सो सोडियम एंड पोटेशियम बोथ मेटल्स आर सॉफ्ट। ये कैसी होती हैं, सॉफ्ट, और कितनी सॉफ्ट हैं, वी कैन इजली कट विद नाइफ, आप नाइफ से इजली इन्हें कट कर सकते हो। नेक्स्ट है लश्चर, जो आपका अपीयरेंस से रिलेटेड है। देखिएगा ऑल मेटल्स हैव मेटेलिक लश्चर, मतलब सभी में क्या होती है, चमक होती है ऊपर, जैसे आपने अपीयरेंस में भी ये इंक्लूड हो रहा था आपका लश्चर। ठीक है शाइनी से मीनिंग है इसका। नेक्स्ट है डक्टिलिटी। मेटल टू बी ड्रॉन इनटू द थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ओके डक्टिलिटी मीन्स आप इसके पतले से पतले क्या बना सकते हो, वायर बना सकते हो। ठीक है ना जैसे गोल्ड है, गोल्ड की वायर होते हैं पतले पतले, कॉपर जो आपके इलेक्ट्रिसिटी में यूज होता है, सिल्वर। ओके सो वो क्या है, वो टूटेंगे नहीं, आप उन्हें कितना भी मतलब बना सकते हैं। सो ये वाले क्या हो जाएंगे, ये क्या होता है डक्टिलिटी, जो मोस्टली जो डक्टिलिटी मतलब जो मोर कैपेसिटी ऑफ डक्टिलिटी आर प्रेजेंट इन सिल्वर गोल्ड एंड कॉपर मेटल। ओके नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है सोनोरिटी। सोनोरिटी मीन्स मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस मीन्स क्या, दे प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक बाय समथिंग। मेटल जो है वो किसी से क्या हो जाएगी, किसी से भी टकराती है तो उसमें से एक साउंड निकलता है, जो साउंड निकलता है उसको आप क्या करें, सोनोरस, सोनोरिटी। ओके सो चाइम्स बेल्स आर मेड ऑफ मेटल, इसलिए ये बेल और चाइम्स किसके बने हुए होते हैं, मेटल्स के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट आपका डेंसिटी। मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज। ठीक है सारी जो भी मेटल्स हैं सब में कैसा होता है, डेंसिटी हाई होती है, बट अगेन सोडियम एंड पोटेशियम हैव लोवेस्ट डेंसिटी। ओके सोडियम और जो पोटेशियम है उनकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत ही
कम होती है।